जय हिंद। देखिए, आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो है नेक्स्ट लेक्चर पर आ चुके हैं ना। और आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें से आज हम एसेम्प्टोट्स के बारे में समझेंगे कि एसेम्प्टोट्स क्या होता है ना। तो एसेम्प्टोट्स का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास कोई एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन कुछ इस टाइप्स में है, जैसे फाइंड फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया ऑफ वाई स्क्वायर टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, वाई स्क्वायर टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ लिख रहे हैं वाई स्क्वायर टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन है और इसमें तुमसे कहा जाए कि इसका एसेम्प्टोट्स जो है एंड इट्स एसेम्प्टोट्स। ठीक है, एंड इट्स एसेम्प्टोट्स। ठीक है, एसेम टोट्स ये हमको इसमें निकालना है, मतलब एसेम टोट्स का एरिया निकालना है। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हम इक्वेशन को वाई स्क्वायर टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसको इस टाइप्स में लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपान टू ए माइनस एक्स, है ना, ये हम लिख सकते हैं ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम देखें यहाँ पर, यदि हम x के स्थान पे 2a ले लें, ठीक है, यानी x के स्थान पे हम x इज इक्वल टू 2a ले लें, ठीक, तो ये हमारा इनफाइनाइट y हमारा क्या आएगा, y हमारा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट, यानी x की वैल्यू लेने पर y इनफाइनाइट आ जाए और y की वैल्यू लेने पर x इनफाइनाइट आ जाए, तो ऐसे जो है इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, एसम्प्टोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसम्प्टोट्स कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, यहां पर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन टू ए माइनस एक्स है, तो हम यहां अगर y के स्थान पे कुछ भी ले तो वो हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना, यानी y इज इक्वल टू हम माइनस वाई ले लें, ठीक, तो इसमें कोई जो है डिफरेंट नहीं आएगा, कोई फर्क जो है नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस अबाउट ऑफ सिमेट्रिक कहते हैं, मतलब इसकी जो इक्वेशंस बनेगी वो एक्स एक्सिस अबाउट ऑफ सिमेट्रिक बनेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि हमें इसमें से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, यानी एक्स बार जो कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक, तो इंटीग्रेशन, ठीक है, ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी, और इसमें से एक्स वाई डी एक्स अपान इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, ये फार्मूला था, है ना। तो इसी जो है फार्मूले का हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इसी फार्मूले का जो है हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सॉरी, यहां पर एक्स डी एम और अपान में डीएम, ये था, ठीक है, फार्मूला। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे देखिए ये हमारा इक्वेशन है और ये एक्स एक्सिस अबाउट ऑफ सिमेट्रिक बनाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसकी दो वैल्यूज निकालेंगे एक्स और वाई की, तो यहाँ पर एक्स और वाई की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, तो यदि हम
एक्स इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो वाई देखो हमें जीरो मिलेगा, वाई क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यदि हम एक्स की वैल्यू टू ए ले लें, ठीक, यानी कि हम एक्स की वैल्यू यदि टू ए ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू टू ए लेने पर एक्स की वैल्यू टू ए लेने पर वाई हमको इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसे ये ओरिजिन हो गया जीरो जीरो, है ना, और यहाँ पर एक्स में यहाँ पर जो कुछ डिस्टेंस पर टू ए होगा और वाई हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, वाई क्या है, इनफाइनाइट। तो इस पॉइंट से अगर हम ग्राफ इसका ड्रा करेंगे तो ये हमारा ग्राफ ओरिजिन से ऐसे कुछ जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक, ठीक। अब देखिए ये हमारा एक्स एक्स इज अबाउट ऑफ सिमेट्रिक है, तो ये ग्राफ हमारा इधर भी ऐसे ही बनेगा, ठीक। अब हमें इसका एरिया निकालना है, इसका क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए एक बात इसमें और है, ये हमारा देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर जो है बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है तो हम इसमें स्ट्रिप्स काटेंगे, ये हम सिखा चुके हैं। अब ये स्ट्रिप्स के हम कोऑर्डिनेट्स यानी पी जो है एक्स वाई लेट कर लिया, एक्स वाई लेट करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें इसका डीएम यानी मास, यहाँ पर जैसे ये जी मान लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिडिल पर होगा, तो ये हमारा जी हो गया। अब हमें इसका इसकी जो ब्रीथ है वो हमने डी एक्स मान लिया, तो डी एम इज इक्वल टू वैल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो यहाँ वैल्यूम तो है नहीं, तो उसका हम एरिया लेंगे, है ना। तो एरिया क्या यहाँ पर होगा, एरिया यहाँ पर वाई रो डी एक्स, ये होगा क्योंकि ये डेंसिटी है और ये इसकी लेंथ है वाई, है ना। तो यहाँ पर वाई लेंथ देखिए, इधर वाई और इधर वाई, तो वाई हमारी जो लेंथ होगी वो टू वाई बनेगी, है ना। तो इसके बाद इसमें से ये हमारा डीएम यानी मास इस पार्टिकल का आ गया, ठीक। अब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ए टू बी और एक्स और डीएम के स्थान पे टू वाई रो डी एक्स अपान में टू वाई रो डी एक्स, ये लिखेंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर लिमिट हमारी चेंज होगी, है ना। अब लिमिट देखिए, लिमिट जीरो से क्या है, टू ए है, जीरो से टू ए यहाँ पर लिमिट है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई डी एक्स अपान में वाई डी एक्स बचा, ठीक, ये हमारे पास यहाँ पर इतना बचा, और लिमिट जीरो टू टू ए हो जाएगी, ये हमारी यहाँ से इसकी क्या बन गई, लिमिट बन गई, ठीक है। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हम वाई के स्थान पे एक्स के टर्म में वैल्यू वाई की रखेंगे, तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी है, एक्स क्यू अपान टू ए माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन ए जीरो है यहाँ, जीरो टू टू ए एक्स इन टू, और वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्स पावर थ्री बाई टू अपान में 2a माइनस एक्स अंडर रूट डी एक्स, ये उधर रूट में जाएगा, तो ये इसके बटे में चला जाएगा, और ये रूट मतलब y की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास x पावर 3 बाई टू अपान में अंडर रूट 2a माइनस एक्स बनेगी, ठीक। इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ टर्म हमें मानना होगा, तो हम x के स्थान पर मान लेंगे 2a, क्योंकि यहाँ 2a है, 2a साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने मान लिया है ना, लेट कर लिया, x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू टू ए, तो एज इट इज रहेगा, इसका टू इधर आएगा, टू साइन थीटा, और साइन थीटा का जो है क्या होता है कॉस थीटा, ये इसका डिफरेंशिएट हो गया। मतलब हमारे पास जो डी एक्स आएगा वो फोर ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आएगा। अब इसमें रखेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए, और एक्स के स्थान पे रखना क्या है टू ए साइन स्क्वायर थीटा, टू ए साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी रखेंगे टू ए के पावर 3/2 हो जाएगा, और आगे क्या है इसमें टू ए के पावर 3/2 हो गया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा बचेगा। और डी एक्स के स्थान पे क्या रखना है, डी एक्स के स्थान पर रखना है यहाँ डी थीटा होगा, फोर ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में, ठीक, अपान में अंडर रूट। अब देखिए टू ए तो एज इट इज रहेगा, एक्स के स्थान पे टू ए साइन स्क्वायर रखना है, तो टू ए से टू ए इधर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा, है ना, ये कास स्क्वायर थीटा। अब सिमिलरली इस तरह नीचे जो हमारे पास है इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए, इसमें भी हमें वाई की वैल्यू रखना है, ठीक, यानी y के स्थान पे हमें क्या रखना है x क्यूब अपॉन टू ए माइनस एक्स ये रखना है, तो x क्यूब इसकी वैल्यू बस ओनली रखेंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है, ये यहाँ से हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये तो यहाँ पर बनेगा y के स्थान पे यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा एक्स के पावर थ्री अपॉन टू अंडर रूट टू ए माइनस एक्स। अब हमें एक्स हमने ये माना तो एक्स के स्थान पे रखेंगे, तो ये बनेगा टू ए का टू ए के पावर 3/2 और इंटू में साइन पावर थ्री थीटा, ठीक, और डी एक्स यहाँ पर है तो डी एक्स के स्थान पे ये रखेंगे फोर ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फोर ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और अपान में बटे में क्या जाएगा बटे में टू ए माइनस एक्स, तो यही सेम बचेगा, यानी टू ए कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट ये बचा, ठीक। अब इसको नोट कर लेना क्योंकि अब हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, अब इतना नोट कर लेना, ठीक। अब देखिए यहां से हम काटेंगे तो ये हमारे पास सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये जो टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा, फोर ए से फोर ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फोर ए से फोर ए कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास टू ए बच रहा है ना, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए, कितने साइन है टू थ्री टू फाइव पॉइंट सिक्स साइन पावर सिक्स थीटा डी थीटा अपान में इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए, नीचे क्या बचेगा थ्री
1/4 यानी इंटीग्रेशन साइन की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा है, ये हमारे पास बचा। अब इसको सिंपलीफाई कर लेना, ये 2a भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये जो 2a है ये भी हमारा कैंसिल होगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर निकल करके आया, ठीक। अब इसमें टू ए भी कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैसे कैंसिल होगा देखते हैं। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से ये रूट टू ए और यहाँ से रूट टू ए है ना, इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई कर रहे हैं। टू ए साइन स्क्वायर थीटा और टू रूट टू ए इंटू टू ए अपान में रूट टू ए कॉस थीटा इंटू में ये बचेगा रूट टू ए इंटू में टू ए और अपान में, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना तो रूट टू ए ओनली ऊपर बचेगा और कॉस थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा रूट टू ए इंटू टू ए और फोर ए बचेगा, ठीक। तो रूट टू ए से रूट टू ये कैंसिल हुआ, कॉस थीटा कैंसिल हुआ, फोर ए से फोर ए इसका जो इसमें भी है फोर ए तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा हमारे पास टू ए बचा, ठीक। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और रूट टू 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये वाला रूट टू ए कैंसिल हो गया और इस रूट टू ए से ये रूट टू ए कैंसिल हो गया, तो बचे हमारे पास 2a मतलब बचेगा, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेना। और एक बात इसमें हम बताना भूल गए हैं, जब हमने माना था क्या किया था कि x इज इक्वल टू हमने एक्स ए टू ए साइन स्क्वायर थीटा माना था, तो लिमिट भी हमारी चेंज होगी। जब हम x को जीरो लेते हैं तब हमारे पास है ना थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, और जब हम x को टू ए लेते हैं तो हमारे पास यानी कि साइन इनवर्स वन आएगा, साइन इनवर्स का मतलब पाई बाई टू की वैल्यू होती, तो लिमिट हमारी जीरो टू पाई बाई टू बने, क्योंकि जैसे हम लेट करते हैं वैसे लिमिट क्या हो जाती, चेंज हो जाती, तो यहाँ जीरो टू पाई बाई टू लिमिट बनेगी, ठीक है। जीरो टू पाई बाई टू ये हमारी लिमिट बनेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, टू ए हमारा इसमें ऊपर बचेगा तो टू ए को हम ले लेते हैं बाहर, ठीक। और थोड़ा देख लेना इसको, क्योंकि लेंदी कठिन है ये थोड़ा क्वेश्चन, वैसे सही होगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ से, ये भी फार्मूला याद रखना कि इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, जब ये लिमिट यही रहे मतलब जीरो टू पाई बाई टू, तब यहाँ पर साइन के पावर एम थीटा इंटू कॉस के पावर एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा एम प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू अपान में टू एम प्लस एन प्लस टू गामा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले को जो है लिख लेना और इसको नोट कर लेना, ये फार्मूला तुम्हारा यहाँ पर यूज होगा, ठीक। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम करेंगे। अब ये फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा और इसको याद रख लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यही फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर m6 है, cos का टर्म नहीं तो उसको हम जीरो मान लेंगे,
तो टू ए इसमें बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to 2a। यार ये बड़ी समस्या है लाइट वाली। अच्छा तो देखिएगा, इसमें थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए तो इसमें से हम ये फार्मूला यूज करेंगे और इस फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अब देखिए, यहाँ पर एम सिक्स है, तो एम सिक्स है तो 6 + 1 करेंगे तो क्या बनेगा, 7 बनेगा, है ना। यानी ये हमारा 7/2 गामा बनेगा, और ये 0 है तो यहाँ पर n के स्थान पे 0 रखेंगे तो 1/2 गामा बनेगा, ठीक है। और अपान में 2m+n, यानी कि m इसमें 6 है, n 0 है, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो ये बनेगा 8 गामा, क्या बनेगा, 8 गामा ये बनेगा। 6 और +2 ऐड करेंगे तो ये हमारा ये बनेगा 8 गामा बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, नीचे इसमें यही फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर 4 1 5, यानी 5/2 गामा बनेगा, ठीक। और इसमें तो कुछ है नहीं, और यहाँ पर 1/2 गामा बनेगा, और अपान में 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 2 6, यानी कि ये हमारे पास 2 बाहर रहेगा और 6 गामा बनेगा, ठीक। अब देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल होता है ना। लेकिन जब हमारे पास ये फ्रैक्शन में हो, p अपान q के रूप में हो n, तब उसमें से हम क्या लिखते हैं, n-1 और गामा फिर n-1, ये लिखते हैं, है ना। n-1 गामा n-1 जब फ्रैक्शन में हो तब ये फार्मूला होता है, यानी गामा n हमारा जब फ्रैक्शन में हो, ठीक है, p अपान q के फॉर्म में हो। तो इन दोनों को जो है यूज करके हम इसमें जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर वैल्यू निकाले दे रहे हैं, 7/2 है तो 7 में से यहाँ एलसीएम, यहाँ 7/2 रखेंगे तो 7 में से 2 जाएंगे, 5/2 बनेगा। फिर ये यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा कितना, 5/2, 5/2 में फिर यही फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारा बनेगा 3/2, फिर 3/2 के बाद फिर उसमें जो है यही फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारा बनेगा 1/2, और गामा 1/2, और आगे क्या होगा, आगे 1/2 गामा लिखाइए, है ना ये। और नीचे नीचे जो हमारा बनेगा, 2 तो है लेकिन ये कितना बनेगा, गामा n को हम क्या लिखते हैं, n-1, तो n में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 7 मिलेगा हमें, है ना। और इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 6 कैसे बच रहा है, ये यहाँ 8 है ना, यानी 8 होने के कारण यम तो यहाँ 6 है, यन 0 है,
गामा एन इज इक्वल टू होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पर बना था कितना, एम सिक्स है और ये जीरो है ये टू है, तो सिक्स और टू कितना होगा एट, और एट को जब हम गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन करेंगे तो ये एट में से वन जाएंगे, सेवन फैक्टोरियल बनेगा। कितना बनेगा, सेवन फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल है। अब सेवन फैक्टोरियल बना ये हमारे पास, तो ये हमें कितना मिलेगा, इसमें से कुछ मिस्टेक किए हुए हैं। टू और फोर, ये फोर कैसे आया है, ये किताबों में भी बहुत कुछ जो है मिस्टेक हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, है ना, जो हमें भ्रमित कर देते हैं। कुछ इसमें मिस्टेक है जो कि शायद हमारा फार्मूला मिस्टेक है। यहाँ पर टू होता है, कितना होता है टू। अब सही है, तो यहाँ एट अपान फोर करेंगे तो ये हमारा सिक्स बचेगा, वो सिक्स कह रहे हैं, एट अपान टू होता है ना ये वाला टू। हाँ तो टू है तो टू फोर जाए, यानी फोर बचेगा। कितना बचेगा, फोर, और तो कहीं मिस्टेक नहीं है। चलिए अब सही है, यहाँ यहाँ पर सिक्स है और टू का डिवाइड होगा तो यहाँ पर थ्री बचना चाहिए, है ना, यहाँ पर थ्री बचेगा। कितना बचेगा, थ्री, यानी हम सिक्स बाई टू लिख दे रहे हैं। ये फार्मूला यार थोड़ा टू मिस्टेक हो गया था, क्योंकि इतना लेंदी हो जाता है तो कुछ जो है दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए तो ये हम यूज करेंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर फोर बचेगा, तो फोर को यानी फोर को हम क्या लिख सकते हैं, गामा फोर को, फोर माइनस वन फैक्टोरियल, तो हमारे पास थ्री फैक्टोरियल बचेगा, तो थ्री फैक्टोरियल का मतलब थ्री इंटू टू, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, और अपान में नीचे जो हमारे पास बचेगा वो देखो फाइव बाई टू है, तो इसको अगर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यह कितना बचेगा, फाइव में टू गए थ्री बाई टू बचेगा, और फिर थ्री बाई टू में हम माइनस करेंगे तो यह हमारे पास वन बाई टू बचेगा, और वन बाई टू गामा बचेगा, और ये वाला ऑलरेडी रखा हुआ है वन अपान टू गामा, है ना, और नीचे इसमें क्या बचेगा, टू और थ्री गामा, टू और थ्री, थ्री गामा को हम क्या लिख सकते हैं, ये थ्री माइनस वन फैक्टोरियल। थ्री माइनस वन फैक्टोरियल लिखने का मतलब क्या हुआ कि थ्री इंटू टू, है ना, थ्री इंटू टू। जैसे इसमें हमने क्या लिखा, फोर बचा था, फोर में से वन की गया थ्री बचा, और यहाँ पर जो बच रहा है टू थ्री या सिक्स, थ्री में से वन गए टू बचा, टू इंटू वन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये आप लोग 12th में खूब अच्छे से जो है इन्हें पढ़ चुके हो, फैक्टोरियल और गामा को कैसे लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए इतना हमने लिख लिया, अब इसको नोट कर लेना, क्योंकि अब हम इसको इधर से यहाँ से सिंपलीफाई कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा इस जगह पर बनेगा वो कितना बनेगा, फाइव थ्री या फिफ्टीन,
और इसकी वैल्यू रूट पाई होती तो रूट पाई मिलकर के क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और यहाँ टू टू जै फोर टू जै एट, एट टू जै सिक्सटीन बचेगा, नहीं सॉरी टू टू जै फोर टू जै एट बचेगा, और अपान में थ्री वन जै थ्री, और रूट ये गामा, ये गामा वन बाई टू, गामा वन बाई टू की वैल्यू पाई होती है, और अपान में टू टू जै फोर बचेगा यहाँ। सॉरी अभी ये है ना थ्री टू जै सिक्स, सिक्स टू जै ट्वेल्व, ये ट्वेल्व हुआ। अब इसको अगर हम बाद में सिंपलीफाई करें, पहले इसको करते हैं, थ्री वन जै थ्री यानी थ्री और पाई, और अपान में टू टू जै फोर, और थ्री टू जै सिक्स, ये बना। इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा फिफ्टीन, फिफ्टीन पाई अपान एट इंटू इंटू वन अपान ट्वेल्व, ठीक। अपान में ये बनेगा थ्री पाई अपान फोर इंटू में वन अपान सिक्स, ठीक। अब हम इसको रेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम रेज कर रहे हैं, ये फार्मूले यूज लिख लेना, ठीक। तो ये हमारे पास आएगा 15 पाई अपान में 8 इंटू ट्वेल्व, और मल्टीप्लाई में ये 6 इंटू फोर अपान में 3 पाई, ये आया। अब देखिए 6 टू जा 12, 4 टू जा 8, हुआ इतना। 3 फाइव जा 15, 3 फाइव जा 15, ठीक। 3 फाइव जा 15, तो हमारे पास क्या बचा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो फाइव अपान टू टू जा फोर, ये हमारे पास निकल करके आया, ठीक। तो यानी एक्स बार हमारे पास फाइव अपान फोर जो है निकल करके आया है, ठीक। फाइव अपान फोर क्या निकल करके आया है, फाइव अपान फोर आया निकल करके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको जो इजीली क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक। लेकिन इसमें एक बात ये थी कि इसमें 2a भी लिखा हुआ था, है ना। तो 2a जब लिखा हुआ था तो इसका मतलब क्या होगा, 2a इसके इनटू में चल रहा है, ठीक। तो 2a और 5 अपान 4 है तो 2 2 जा 4, तो ये हमारा कुल मिलाकर के 5 अपान 2 आएगा, कितना आएगा 5 अपान। तो इस प्रकार से हमारे पास एक्स एक्सिस का जो है कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, वही हमारा निकल के आया है। और जब हम ग्राफ बनवाए थे तो आपको ध्यान होगा इसमें कि हमारा जो ग्राफ बना था वो कुछ इस टाइप्स में बना था, है ना। और इसका सी जी यहाँ कहाँ पर था, यहाँ पर था, ठीक। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2a थी और वाई क्या था, जीरो था। तो जब y जीरो था तो y के लिए फार्मूला क्या होता है, y के लिए फार्मूला a टू b y dm अपान a टू b dm, ये होता है। तो y का कोऑर्डिनेट जीरो, तो जब यहाँ हम जीरो रखेंगे तो ऑलरेडी वो जो है y का कोऑर्डिनेट जीरो ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है x बार y बार, वो हमारे पास क्या है, फाइव अपान टू और जीरो। ये जो है थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह करना कठिन था, तो ये फार्मूले याद कर लेना, ठीक है, और इनका यूज करके निकाल लो। वैसे ये इतने बड़े पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कैसे जो है मतलब एसिम्प्टोट्स को हम एसिम्प्टोट्स के लिए फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उसको हम एसिम्प्टोट्स होता क्या है वो हमने तुम्हें इसमें डिस्कस किया, ठीक है। तो ये हमने समझाने के लिए कि एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या होता है, तो एसिम्प्टोट्स का मतलब होता है कि यक्स कुछ भी रखें और वाई इनफाइनाइट हो जाए तो एसिम्प्टोट्स होगा, और अगर वाई कुछ भी रखें एक्स इनफाइनाइट हो जाए तो भी वो क्या होगा, एसिम्प्टोट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये एसिम्प्टोट्स जो है बताने का मतलब था, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसको निकाला और सॉल्व किया। अब आगे जो है और देखेंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे और इसके बारे में, और फिर कुछ जो है नई
बातें सीखेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है तुम सीख गए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वर्क के बारे में देखेंगे, यानी वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क भी, वर्क जो है ये भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो इसके बारे में कुछ देखेंगे। और W बराबर एफ इंटू डी होता है, ये आप लोगों को सब पता ही है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना। कोई मान लो कि अगर एक कुंटल का जो है भार लेकर के जा रहा है और तुमसे पूछ लिया जाए फिजिक्स के भाषण में कितना कार्य किया, तो फिजिक्स कहती कि वो कुछ कार्य नहीं किया, भले ही उसकी डेथ ही क्यों ना हो जाए, है ना। क्योंकि अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है, तो हमारे पास W इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये होता है। और 90 डिग्री का एंगल बना रहा तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती, तो इसलिए पूरा कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। तो कुछ इसके बारे में जो है देखेंगे, लेकिन ये फिजिक्स की लैंग्वेज में है, हम मैथमेटिकल मैनर से जो है इसको समझेंगे और देखेंगे कैसे जो है वर्क के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और वर्क कैसे जो है किया जाता है, वर्क है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।